दिगंबर प्रसाद निषाद। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अपने सदन के नेता माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की तरफ से रेलवे बजट 2022-23 में चर्चा के लिए भाग ले रहा हूँ। मानवर, जब रेल का बजट अलग से होता था, पूरे देश की निगाहें रहती थी कि आज रेल का बजट पेश होने वाला। पूरे देश टीवी पे रहता था, देखता था, रेडियो सुनता था। लेकिन जब से मेन बजट में मिला दिया गया तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। लोग प्रतीक्षा करते थे कि हमारे इलाके में कौन सी ट्रेन चलने वाली है, कितना किराया बढ़ने वाला है, कितना घटने वाला है, क्या क्या होने वाला है। मानवर, हम देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेल का जाल हमारे भारत में है और सबसे ज़्यादा यात्रा हमारे भारत के लोग करते हैं। तो लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब से निजीकरण का मामला आ गया, रेलवे के किराए बढ़ा दिए गए, जो पैसेंजर ट्रेनें थी, मेमो ट्रेनें थी, उनको उच्चीकरण करने के नाम पे उनको बढ़ा दिया गया, जहाँ दूना तिगुना किराया बढ़ा दिया गया, तो लोगों में हताशा और निराशा आई है। क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने वाला विभाग था। जब से निजीकरण का शुरुआत हुई तो लोगों में हताशा आई है, खासतौर पर मैं SC ST OBC के लोगों। जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, और जो भी रेलवे स्टेशन माननीय मंत्री जी ने उच्चीकरण के लिए दिया है, तो जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे अच्छी आमदनी हो सकती है, उनको तो इन्होंने निजीकरण में देने का काम किया। वहाँ पे रेट बढ़ा दिए गए, पार्किंग रेट बढ़ा दिए गए, प्लेटफार्म टिकट बढ़ा दिए गए, अन्य उसके लिए घंटे के हिसाब से कर दिया गया। मानवर, इन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 400 वंदे भारत चलाने के लिए 3 साल में बनाई योजना। तो हम समझते हैं कि हमारे देश में जो स्थिति है, जब से माननीय मंत्री जी की सरकार आई है, पूरे देश में अन्ना प्रथा चालू कर दी गई है। सांड और गाय घूम रहे हैं सड़कों पे, रेलवे पटरी पे। जब तक उनकी रेलवे पटरी की हम सुरक्षा नहीं करेंगे, हम देखते हैं, हम झांसी गए थे, रोज 10-5 गाय और सांड कट रहे हैं रेलवे स्टेशन पे। यात्री बैठते हैं, खाना डाल देते हैं, खाना के चक्कर में आ जाते हैं, उस चपेट में ट्रेन की चपेट में आ जाती है। तो इनको बचाने के लिए हमें रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए उसकी बाउंड्री पूरी जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक हम फास्ट ट्रेन जैसे विदेशों की तरह हम सोच रहे हैं तो नहीं चला सकते। मानवर, हम देख रहे हैं कि चूँकि कुछ अपनी मांगे कर लें, नहीं तो मंत्री जी आप घंटी बजने रहेगी। मानवर, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। तो खजुराहो, कालिंजा, सिमौनी धाम, फतेहपुर बायर, रायबरेली होकर के नई रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था मानवर, चलाया जाए, जिससे एक सर्किट बनेगा टूरिस्ट का। बांदा फतेहपुर रेलवे स्टेशन में स्वचालित सीढ़ियाँ बनवाई जाए मानवर। उत्तर मध्य रेलवे फतेहपुर के गेट नंबर 49 पर RUV पुल का निर्माण कराया जाए, फतेहपुर बांदा रेलवे स्टेशन का अधिग्रहण कराया जाए। मानवर, हमारे यहाँ फतेहपुर से उधर से बहुत से लोग जाते हैं मुंबई, सूरत, वापी, उनके लिए कोई ट्रेन सुविधा नहीं होती है नज़दीक से। तो फतेहपुर से सूरत, वापी होकर के मुंबई होकर के नई ट्रेन चलाने की मेरी मांग है। मानवर, ठहराव, तुलसी एक्सप्रेस मानवर बांदा से चलती है, तो इलाहाबाद से, प्रयागराज से, इसको जो है प्रतिदिन किया जाए, वीकली चलती है। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत नरैनी महोबा बाईपास रोड पर निर्माणाधीन ऊपरगामी पुल का शीघ्र निर्माण कराया जाए। रेलवे लाइन का केवल ऊपर का काम शेष है, बाकी साइड का काम स्टेट गवर्नमेंट ने करा दिया। मानवर, ट्रेन नंबर 1298 हुआ 12988 सियालदह अजमेर का ठहराव फतेहपुर रेलवे स्टेशन में कराया जाए। प्रयागराज से चलने वाली दुरंतो रेलवे स्टेशन, दुरंतो एक्सप्रेस की ठहराव की फतेहपुर में मांग है मानव। मानव, इस तरह से माननीय मंत्री से निवेदन करेंगे, क्योंकि आप तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन देश के नौजवानों की निगाह आपकी तरफ है।
लोग पढ़ कर निकल रहे हैं, नौकरियां जब नहीं मिल रही, इधर कोरोना काल में उसमें काफ़ी नौकरियां चली गई हैं, तो आप जो संविदा पे लोग लगे हैं तो उनके ठेकेदार शोषण करते हैं, उनके लिए कम से कम सुरक्षा हो, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके बीमा के लिए, उनका फ्यूचर क्या होगा उसके लिए, क्योंकि जब चाहते तब निकाल देते हैं, जब चाहते रखते हैं। तो मानो जो संविदा पे लोग जो ट्रेनों पे काम करते हैं, प्लेटफार्म पे काम करते हैं, तो उस पर निगरानी रखी जाए, उसके लिए एक सर्वे करा लिया जाए कि जो लोग लगे हैं बहुत लंबे समय से लगे हैं तो उनको हटा दिया जाता है एक साल दो साल। और उसमें भी मानो हमने देखा है कि ठेका दो साल एक साल का बहुत उसमें पैसा इतना पैसा ले लेते हैं कि उनकी तनख्वाह पूरी जो मिलती है तो उसके रिश्वत में ही चली जाती है। इसका भी सर्वे कराया जाए, इसमें जाँच करने की जरूरत है कि मानव जो संविदा कर्मी हैं बेचारे गरीब लोग हैं, उनको उनके जो है जो निजीकरण से उनका आरक्षण का कोटा का नुकसान न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज वी मुरलीधरन।